अस्सलाम वालेकुम, इट्स माय चैनल स्मार्ट मेडिकल स्टडी। माय नेम इज़ अरीज फातिमा एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज प्रोग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था जिया जॉइंट सर्जरी, उसके बाद हमने उसके पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट देखी थी, और आज जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 है शोल्डर एंड शोल्डर गर्डल का थेरापेटिक एक्सरसाइज, में उसमें हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज प्रोग्रेशन आफ्टर ऑपरेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। एक्सरसाइज प्रोग्रेशन, द गाइडलाइंस फॉर प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग ईच फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन आफ्टर टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी, रिवर्स शोल्डर आर्थोप्लास्टी और हेमी आर्थोप्लास्टी आर प्राइमेरली ड्रॉन फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स अवेलेबल, मोस्ट ऑफ विच आर बेस्ड ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस रेदर देन एविडेंस। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल्स आर टाइम बेस्ड, a handful of more recent criteria based protocols are now available. All the criteria for time based suggestions for progression of exercise and functional activities based on the periodic evaluation of patient status, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो एक प्रोटोकॉल कितना इफेक्टिव है, पेशेंट स्टेटस, कम्युनिकेशन बिटवीन द थेरापिस्ट एंड सर्जन। नोट, these exercises guidelines are for those patients have without preoperative rotator cuff, without the rotator cuff deficiency, jinke andar rotator cuff jo hai intact hai, and who did not undergo a cuff repair during tsa or hemiarthroplasty. ye un patient ke liye guidelines hain. ye for patient having poor quality rotator cuff mechanism modification in guidelines are noted. क्लिनिकल टिप, रिगार्डनेस ऑफ इम्प्लांट डिज़ाइन, पेन रिलीफ इज़ द प्राइमरी गोल। हमारा जो प्राइमरी गोल होता है वो रिलीफ ऑफ पेन होता है ऑफ शोल्डर आर्थोप्लास्टी, वाइल इम्प्रूवमेंट इन फंक्शन मोबिलिटी इज़ द सेकेंडरी गोल। मोबिलिटी को इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना, वो हमारा सेकेंडरी गोल होता है। हमारा प्राइमरी गोल जो है वो पेन को रिलीफ करना होता है। ऑल्दो इम्प्रूवमेंट इन सर्जिकल टेक्निक एंड इम्प्लांट अलाउ मोर accelerated progression of post operative rehabilitation, it is important during each phase of rehabilitation to avoid damage to the healing soft tissues. jo soft tissues jo ke heal ho rahe hain unko aapne damage nahi karna. implant loosening and excessive muscle fatigue. ab isme hum exercise progression mein hamare 3 steps honge. ek hamara hoga maximum protection phase, second control motion phase and third jo hoga wo hamara minimum protection phase hoga. इस तरीके से जैसे हम एक एक स्टेप आगे करते जाएंगे, उस तरीके से हम एक्सरसाइज की प्रोग्रेशन को इंक्रीज़ करते जाएंगे, क्योंकि जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही होगी। अब मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में क्या होगा, इट बिगेन ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे ऑफ टीएसए एंड एक्सटेंड्स फॉर 4 to 6 weeks. फर्स्ट डे पर शुरू हो जाएगा पोस्ट ऑपरेटिव डे पर, और 4 to 6 week तक एक्सटेंड करेगा। द इम्फेसिस ऑफ दिस फेज इज़ टू एजुकेट द पेशेंट। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे, कंट्रोल पेन, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज टू प्रिवेंट द एडहीजन्स एंड रीस्टोर शोल्डर मोबिलिटी टू द रेंज अचीव ड्यूरिंग सर्जरी, जो रेंज हमने सर्जरी में अचीव किया एज अर्ली एज पॉसिबल। रेंज ऑफ मोशन एंड पेन रिलीफ ये तो हमने फर्स्ट डे पर ही करना होता है। अर्ली मोशन इज़ परमिसिबल आफ्टर अनसीमेंटेड एंड सीमेंटेड फिक्सेशन। इन हॉस्पिटल पेशेंट एजुकेशन इन्वॉल्व रिव्यूइंग अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस एंड टीच इनिशियल एक्सरसाइजेस फॉर होम प्लान। होम प्लान के लिए भी हम जो है वो एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं। प्रिकॉशन ड्यूरिंग 4 to 6 weeks आफ्टर टी एस ए इन इज क्रूशियल ड्यूरिंग दिस रिहेबिलिटेशन फेज। वट आर द गोल्स एंड इंटरवेंशंस। The maximum protection phase of rehabilitation include the following. First जो होगा वो हमारा control pain and inflammation, ये तो सभी को पता है। uses a splint or sling for comfort. use prescribed analgesic and anti-inflammatory medication. अगर कोई inflammation है तो उसके लिए हम क्या देंगे, anti-inflammatory medication. if any kind of pain then we go for analgesics. use cryotherapy, ice therapy जिसको हम कहते हैं, especially after exercise. सेकेंड जो हमारा पॉइंट होगा, मेंटेन मोबिलिटी ऑफ एडजेसेंट जॉइंट्स, एक्टिव मूवमेंट ऑफ स्कैपुला एंड स्पाइन टू मेंटेन मोशन एंड रिड्यूस मसल
गार्डनिंग एंड स्पैज्म इनकॉर्पोरेट शोल्डर रोल्स बाय एलिवेटिंग रिट्रैक्टिंग एंड देन रिलैक्सिंग द स्कैपुला टू रेनफोर्स एन इरेक्ट पोस्चर ऑफ स्पाइन, ताकि स्पाइन का इरेक्ट पोस्चर जो है वो मेंटेन रहे. एम्फेसाइज एक्टिव स्कैपुलर रिट्रैक्शन एंड स्पाइनल एक्सटेंशन. एक्टिव रेंज ऑफ मोशन हम करवाएंगे हैंड, रिस्ट एंड एल्बो. जस्ट हमने अपने शोल्डर पर ही फोकस नहीं करना, जो उसके एडजेसेंट जॉइंट्स हैं उनको भी कंसिडर करना है. व्हेन आर्म स्लिंग इज रिमूव्ड, आर्म स्लिंग जैसे हम रिमूव करेंगे, हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एडजेसेंट जॉइंट्स की भी करवाएंगे. रिस्टोर शोल्डर मोबिलिटी, पैसिव रेंज ऑफ मोशन विद इन सेफ रेंज ऑफ मोशन लिमिट्स. डिटरमाइन ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के ड्यूरिंग सर्जरी ही. विद द पेशेंट स्पाइन एंड आर्म स्लाइटली अवे फ्रॉम साइड ऑफ ट्रंक ऑन फोल्डेड टॉवल एंड एल्बो फ्लैक्स, एल्बो फ्लैक्स होगी. परफॉर्म एलिवेशन ऑफ आर्म इन द प्लेन ऑफ स्कैपुला टू टॉलरेंस एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब बॉडी से दूर हम अपने आर्म को लेके जाएंगे फ्लैक्स एल्बो के साथ टू नो मोर देन 30 to 45 डिग्री. एंड इंटरनल रोटेशन, फिर हम इंटरनल रोटेशन करेंगे अंटिल द फोर आर्म रेस्ट ऑन द चेस्ट, उसको अपनी तरफ आर्म को लेके आएंगे. पेंडुलम या फिर कॉर्डमेन एक्सरसाइजेज हैं. Encourage the patient to remove the sling and swing the arm during ambulation at home. ये होम में करवाने के लिए एक्सरसाइज है, ठीक है. Later in this phase, progress to spine self-assisted shoulder range of motion by first assisted with a sound hand, जो हमारा हैंड बिल्कुल ठीक है उसे करवाएंगे. And later with a man, कोई ये मतलब रेजिस्टेंस के लिए कोई रॉड वर्क, रॉड की तरह के जैसे होते हैं ना, थेराबैंड्स वगैरह. ऑल्सो एड हॉरिजेंटल एबडक्शन टू न्यूट्रल एंड एडक्शन अक्रॉस द चेस्ट विद द असिस्टेंस ऑफ वैंड. सेल्फ असिस्टेड शोल्डर रेंज ऑफ मोशन विद ए वैंड इन ए सिटिंग और स्टैंडिंग बाय स्लाइडिंग द आर्म फॉरवर्ड ऑन ए टेबल टॉप. ये हमारी जो है वो रेंज ऑफ मोशन के लिए है. रिमाइंड टू मेंटेन इरेक्ट ट्रंक, हमने इसमें जो है वो अपने पोस्चर पर भी फोकस करना है ड्यूरिंग द असिस्टेड शोल्डर मोशंस. सेल्फ असिस्टेड रीचिंग मूवमेंट, रीचिंग मूवमेंट्स कौन से होंगे, लाइक टू नोज फोर हेड एंड ओवर द हेड टू स्टिम्युलेट फंक्शनल मूवमेंट्स. जैसे हम जो है वो कॉम्बिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ तक उन मूवमेंट्स तक भी हमारी जो है वो रीच देखने के लिए कि वो वाली फंक्शनल मूवमेंट्स भी हम परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं. फॉर सम पेशेंट्स ट्रांसलेशन टू एक्टिव शोल्डर रेंज ऑफ मोशन इज ऑफन पॉसिबल बाई 4 वीक्स, 4 वीक्स तक वो कर लेते हैं. फंक्शनल एक्टिविटीज विद द एल्बो एट वेस्ट लेवल सच एज हैंड टू फेस एंड राइटिंग आर परमिसिबल. मिनिमाइज, फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है, मिनिमाइज मसल इनहिबिशन गार्डनिंग एंड एट्रोफी. टारगेट दिस रेटस एंटीरियर एंड ट्रेपीजियस, इसके अंदर हम टू मसल्स का हमारा टारगेट है. नोट क्या है, इट इज़ नॉट परमिसिबल टू स्टार्ट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज इमिडिएटली आफ्टर सर्जरी. आफ्टर सर्जरी हमने इमिडिएटली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज नहीं करवानी. परफॉर्म ओनली पैसिव एंड असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन. पोस्टपोन एक्टिव एंटी ग्रेविटी रेंज ऑफ मोशन, हम जो है वो पोस्टपोन कर देंगे. एंड लाइट आइसोमेट्रिक्स अंटिल द सेकेंड फेज, वो हम सेकेंड फेज के लिए रखेंगे. हाइपर एक्सटेंशन, लिफ्टिंग एंड स्पोल्टिंग ऑफ बॉडी वेट विद इफेक्टेड हैंड आर प्रिकॉशंस, ये हम नहीं करवाएंगे. फॉलोइंग रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी. हमारा फिफ्थ पॉइंट है क्राइटेरिया टू प्रोग्रेस, क्राइटेरिया टू एडवांस टू सेकेंड फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन. फॉलोइंग TSA आर रेंज ऑफ मोशन एटलीस्ट 90 डिग्री, पैसिव एलिवेशन 45 डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन एंड 70 डिग्री ऑफ इंटरनल रोटेशन इन द प्लेन ऑफ स्कैपुला विद मिनिमम पेन. पेन जो है उसमें मिनिमम हो. आर ऑलमोस्ट फुल पैसिव शोल्डर मोशन बेस्ड ऑन इंट्राऑपरेटिव मूवमेंट विद लिटल टू नो पेन, मतलब मेन के मिनिमम पेन के अंदर आपने करवानी है, मतलब स्ट्रेस नहीं देना जॉइंट पे. नो पेन ड्यूरिंग रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक इंटरनल रोटेशन ऑफ सबस्कैपुलरिस. एबिलिटी टू परफॉर्म मोस्ट वेस्ट लेवल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग विदाउट पेन. फॉर रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी क्राइटेरिया ऑफ टॉलरेंस इज असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एंड डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एबिलिटी टू आइसोमेट्रिकली. आइसोमेट्रिकली मीन्स जिसमें हमारी लेंथ सेम रहती है मसल की. एक्टिवेट द डेल्टॉइड एंड पेरी स्कैपुलर मस्कुलेचर वाइल जॉइंट इज पोजिशन इन स्कैपुलर प्लेन. जॉइंट जो है वो हमारा स्कैपुलर प्लेन में ही होगा. ये हमारी थी सारी मैक्सिमम प्रोटेक्शन के अंदर. अब एक्सरसाइज
मॉडरेट प्रोडक्शन में क्या होगी या कंट्रोल मोशन फेस में क्या होगी? इट बिगेन टू फोर टू सिक्स वीक्स. अब ये फोर टू सिक्स वीक्स का इसका पीरियड है. फोर टू सिक्स वीक का जो है वो मैक्सिमम था, उसके बाद जो है वो फोर टू सिक्स वीक के बाद से क्या होगा, हमारा कंट्रोल मोशन फेस का पीरियड होगा. पोस्ट ऑपरेटिवली एंड एक्सटेंड टू एट लीस्ट 12 to 16 weeks. ये आपने याद रखना है. 4 to 6 weeks का मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेस एंड 12 to 16 weeks में क्या है, कंट्रोल मोशन फेस. फोकस इसमें हम फोकस में करेंगे एक्टिव कंट्रोल, डायनेमिक स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ शोल्डर वाइल कंटिन्यू इंक्रीजिंग रेंज ऑफ मोशन. उसके अंदर हम रेंज ऑफ मोशन जो हमने ड्यूरिंग सर्जरी में हमने जितनी कटवाई थी वही हम मेंटेन रखेंगे. इसके अंदर हम उसको इंक्रीज कर देंगे, प्रोग्रेशन को इंक्रीज कर देंगे. प्रिकॉशंस क्या होंगे ड्यूरिंग दिस फेज? इट इज़ सेफ टू प्लेस स्ट्रेस ऑन पेरी आर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यूज. अब देखें इस पर स्ट्रेस आ रहा है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू दिस ग्रेजुअली एज इट नॉट इरीटेट द टिश्यूज दैट आर हीलिंग. फिर भी आपने इतना स्ट्रेस नहीं डालना कि जो हीलिंग टिश्यूज हैं उनके अंदर किसी किस्म का जो है वो रेप्चर या टेयर हो जाए. ठीक है. कंटिन्यू विद शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट एक्सरसाइजेज एंड अवॉइड विगरस स्ट्रेचिंग एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज और ओवर यूज ऑफ इन्वॉल्व शोल्डर ड्यूरिंग एक्टिविटीज. गोल्स एंड इंटरवेंशंस क्या होंगे? ट्रांजिशन फ्रॉम पैसिव और असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन टू लो इंटेंसिटी पेन फ्री स्ट्रेचिंग इन ऑल एनाटोमिकल एंड डायगनल प्लेन ऑफ मोशन टू अचीव इंट्रा ऑपरेटिव रेंज ऑफ मोशन. इसके अंदर हम उससे मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज से थोड़ी सी प्रोग्रेशन इंक्रीज करेंगे. जेंटल ज्वाइंट मोबिलाइजेशन, देखें इसमें मोबिलाइजेशन भी यूज़ हो रही है फॉर स्पेसिफिक कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन. अगर किसी किस्म की जो है वो कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन है तो हम जो है जेंटल ज्वाइंट मोबिलाइजेशन करेंगे. इन एडिशन टू असिस्टेड स्ट्रेचिंग टीच द पेशेंट सेल्फ स्ट्रेचिंग. पेशेंट जो है वो खुद से ही स्ट्रेचिंग करवा सकता है टू इंक्रीज एलिवेशन इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन एक्सटेंशन एंड हॉरिजॉन्टल एडक्शन और एबडक्शन. डिवेलप एक्टिव कंट्रोल एंड डायनेमिक स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूव मसल परफॉर्मेंस ऑफ शोल्डर. इसमें क्या होगा, कंटिन्यू विद द ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू एक्टिव शोल्डर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. बिगिन एंटी ग्रेविटी एबडक्शन व्हेन पेशेंट कैन परफॉर्म द मूवमेंट विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग स्कैपुलर एलिवेशन. स्कैपुला एंड ग्लेनो ह्यूमेरल जॉइंट स्टेबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस कैन प्रोग्रेस फ्रॉम नॉन वेट बेरिंग टू मिनिमल वेट बेरिंग पोजिशंस. आपने थोड़ा सा इसके अंदर इंक्रीज करना है प्रोग्रेशन को. नोट क्या होगा, फॉर पेशेंट हु हैड रिवर्स्ड TSA मेंटेन नॉन वेट बेरिंग प्रिकॉशन अप टू 12 weeks तक वो जो है वो नहीं करेंगे. वेट बेरिंग वहाँ पे नॉन वेट बेरिंग ही पोस्ट ऑपरेटिवली हम करेंगे. पेन फ्री मेन फोकस इज द पेन फ्री मूवमेंट. लो इंटेंसिटी रेजिस्टेंस आइसोमेट्रिक और शोल्डर मसल कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इंक्लूडिंग द सबस्कैपुलरिस एंड अदर रिपेयर मसल टेंडन यूनिट्स. बिगेन डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस. हम इसमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाएंगे फॉर स्कैपुला एंड शोल्डर मस्कुलेचर यूजिंग लाइट वेट. बिगेन इन स्पाइन पोजिशन टू सपोर्ट एंड स्टेबलाइज द स्कैपुला एंड प्रोग्रेस टू सिटिंग पोजिशन. बिगेन अपर एक्सट्रीमिटी एंड्योरेंस ट्रेनिंग विद स्टेशनरी अर्गोमीटर. एंड्योरेंस क्या होगा कि सेम ही वेट है और उसकी हम रेपिटेशन को इंक्रीज करें बजाय ये कि हम वेट को इंक्रीज करें. प्रोग्रेस बाय इंक्रीजिंग रेपिटेशन और टाइम टू इंक्रीज मस्कुलर एंड कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस. इससे हमारी मसल्स में और कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस भी इंक्रीज होगी. क्राइटेरिया टू प्रोग्रेस इन फाइनल फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन हम क्या करेंगे, पेशेंट शुड मीट फॉलोइंग क्राइटेरिया. फुल पैसिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर, पेन फ्री पैसिव और असिस्टेड शोल्डर फ्लेक्शन ऑफ एटलीस्ट 130 to 140 degrees एंड एबडक्शन ऑफ 120 degrees. ओके. इन प्लेन ऑफ स्कैपुला एटलीस्ट 60 degrees पेन फ्री पैसिव एक्सटर्नल रोटेशन होगी एंड 70 degrees इंटरनल रोटेशन. एक्टिव एंटी ग्रेविटी एलिवेशन ऑफ आर्म टू एटलीस्ट 100 to 120 degrees इन प्लेन ऑफ स्कैपुला वाइल मेंटेनिंग शोल्डर स्टेबिलिटी. शोल्डर स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हुए एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट शोल्डर मैकेनिक्स पार्टिकुलरली नो स्कैपुला एलिवेशन ड्यूरिंग आर्म एलिवेशन. 4/5 स्ट्रेंथ ऑफ रोटेटर कफ एंड डेल्टॉइड मसल्स. इतनी स्ट्रेंथ हमारी गेन हो जाएगी इस फेज तक. रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी. पेशेंट शुड हैव इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शन एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टॉइड एंड पेरी स्कैपुलर मसल प्रायर टू द प्रोग्रेसिंग टू नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे से जानते पहले इतनी इतनी इंप्रूवमेंट हमारे मसल्स में जॉइंट्स रेंज ऑफ मोशन इतनी इम्प्रूव हो जाएगी इस स्टेज तक. फिर हमारी फाइनल एक स्टेज होगी वो हमारी होगी मिनिमम प्रोटेक्शन फेज
या रिटर्न टू फंक्शन, अब वो पेशेंट अपने फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ वापस आएगा। द मिनिमम प्रोटेक्शन और रिटर्न टू फंक्शन फेज यूजली बिगेन 12 to 16 weeks, वो 4 to 6 weeks था फर्स्ट जो हमारा था, और फिर अब हमारा है ये लास्ट जो है 12 to 16 weeks है पोस्ट ऑपरेटिवली एंड एक्सटेंड फॉर सेवरल मोर मंथ्स, ही मंथ्स तक भी जा सकता है, 12 to 16 weeks टू सेवरल मंथ्स तक जा सकता है। पेन फ्री स्ट्रेचिंग, पेन फ्री स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे हम शोल्डर मसल्स की फॉर डायनेमिक स्टेबिलिटी, जैसे जब हमारा मसल मूव करता है तो जो हमारी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हमारे मसल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ए जॉइंट, एंड फंक्शनल यूज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी फॉर प्रोग्रेसिवली मोर डिमांडिंग टास्क। इसके अंदर हम हमारा प्राइमरी फोकस इन चीज़ों पे होगा, डायनेमिक स्टेबिलिटी पर। फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट होम एक्सरसाइज प्रोग्राम में नीड टू बी कंटिन्यू फॉर 6 months और लॉन्गर, होम एक्सरसाइज प्लान जो हमारा 6 months के लिए होगा उससे भी ज़्यादा लॉन्गर पीरियड हो सकता है, एंड फंक्शनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में नीड टू बी मॉडिफाइड, उसमें मॉडिफाइड करेंगे। इसके हमारे गोल्स एंड इंटरवेंशन क्या होंगे, फर्स्ट जो है कंटिन्यू टू इम्प्रूव और मेंटेन शोल्डर मोबिलिटी, हम शोल्डर की मोबिलिटी जो है वो उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, एंड रेंज सेल्फ स्ट्रेचिंग, सेल्फ स्ट्रेचिंग भी हम जो है एंड रेंज तक होगी, ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन, एंड पेशेंट जो है वो खुद सेल्फ मोबिलाइजेशन भी हो करेगा। सेकंड जो हमारा गोल होगा वो होगा कंटिन्यू टू इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, पेन फ्री लो लोड हाई रेपिटेशन प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हम करेंगे शोल्डर मस्कुलेचर पर इन एनाटोमिकल एंड द डायगनल प्लेन, डायगनल प्लेन मीन्स मल्टी एंगल्स में जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं डायगनल प्लेन, एंड इन पैटर्न ऑफ मूवमेंट दैट रेप्लिकेट फंक्शनल टास्क थ्रू आउट द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, पोजिशन द पेशेंट इन ए वराइटी ऑफ ग्रेविटी रेजिस्टेंस पोजिशंस, क्लोज चेन रेजिस्टेंस शोल्डर एक्सरसाइजेस, कंटिन्यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेट बेरिंग, हम जो है वो वेट को कंटिन्यूसली इंक्रीज मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे ताकि प्रोग्रेशन इंक्रीज हो और स्ट्रेंथ शोल्डर जॉइंट की जो है वो इम्प्रूव हो, यूज़ ऑफ द इन्वॉल्व अपर एक्सट्रीमिटी, जो हमारी एक्सट्रीमिटी इन्वॉल्व होगी इफेक्टेड होगी उसको हम यूज़ में लेके आएंगे फॉर लिफ्टिंग कैरिंग पुशिंग और पुलिंग एक्टिविटीज अगेंस्ट इंक्रीजिंग लोड। थर्ड जो हमारा गोल होगा वो होगा रिटर्न टू मोस्ट फंक्शनल एक्टिविटीज, यूज़ ऑफ ऑपरेटेड अपर एक्सट्रीमिटी प्रोग्रेसिवली मोर एडवांस फंक्शनल एक्टिविटीज़ में हम उसको लेके आएंगे, जिसके अंदर हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होंगी, स्विमिंग एंड गोल्फ आर पॉसिबल, वो भी हम करवा सकते हैं इसके अंदर कि पेशेंट जो है वो अगर कोई एथलीट है ताकि वो अपने स्पोर्ट्स में दोबारा से आ जाए। मोडिफिकेशन ऑफ हाई डिमांड हाई इम्पैक्ट वर्क रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ टू अवॉइड इम्पोजिंग एक्सेसिव फोर्सेस ऑन जी ए जॉइंट दैट कुड लीड टू द लूजनिंग और प्रीमेच्योर वेयर ऑफ प्रोस्थेटिक इम्प्लांट, आपने मोडिफिकेशन करनी है और फिर भी आपने इतना उस पर एक्सेसिव लोड नहीं डालना कि जो है वो किसी किस्म का रप्चर वगैरह हो जाए या कॉम्प्लिकेशंस हो जाए उस ऑपरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, या इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने इसके अंदर मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज पढ़ा, पोस्ट ऑपरेटिवली हमने जो उसकी मैनेजमेंट देखनी थी, मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज, कंट्रोल मोशन फेज एंड मिनिमम प्रोटेक्शन फेज, एंड लास्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे आज के लेक्चर का, मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज एक्सटेंड फॉर, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 2 to 4 weeks, 4 to 6 weeks, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 6 to 8 weeks, इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट्स में। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर, आई डेफिनेटली श्योर दैट यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।